हेलो एवरीवन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम पार्टनरशिप के रिगार्डिंग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। बेसिकली जब भी किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस या किसी भी इंटरप्राइज की बात करते हैं तो हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी इंटरप्राइज बड़ा इंटरप्राइज अकेले के दम पे नहीं खोला जा सकता है। उसके लिए हमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं। तो उन पार्टनर्स, उन शेयर होल्डर्स के बीच में फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना अकर्ड हो जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ये कहती है कि जब भी आप कोई पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो आप पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत अपने बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि आप एक स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट करिए और उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो भी आपके बीच में एज अ पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी बेसिक नॉर्म्स होने चाहिए या जो भी आपके सेट ऑफ रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स आप उसमें मेंशन करिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई कियोस क्रिएट होता है तो उस एग्रीमेंट के बिहाफ पे जो भी जुडिशियल सेक्टर है वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली पार्टनरशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट दो एक्ट्स लेकर के आई, जिसमें से पहला था पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेसिकली स्टार्टिंग में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 चल रहा था उसी को थोड़ा अपग्रेड करके पार्टनरशिप एक्ट 1932 लाया गया। सो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लेज डाउन द इम्पोर्टेंट प्रोविजंस रिलेटिंग टू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट। हाउएवर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट 1872 व्हिच फॉर्मली contained the provisions of the law of partnership shall apply so far as they are not inconsistent with this act section 3। तो आज की डेट में जो पार्टनरशिप के रिगार्डिंग एक्ट चलता है वो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से मिलता जुलता है। चूंकि हम पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं और अभी हमने पार्टनरशिप के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाए हुए एक्ट को देखा, तो आगे के टॉपिक को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि बेसिकली पार्टनरशिप होती क्या है, डिफिनेशन क्या है पार्टनरशिप की, ऐसे वो कौन से सेट ऑफ एक्शंस है जिनको हम परफॉर्म करें तो उन पार्टनर्स के बीच में एक पार्टनरशिप का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाता है। So according to section 4, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब आपके उस बिजनेस में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके बीच में ये एग्रीमेंट हो, ये सभी एक दूसरे सभी इस बात से सहमत हो कि जो भी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे उनमें हम सबका हिस्सा होगा, जो भी लॉस अर्न करेंगे उसमें हम सबका हिस्सा होगा अकॉर्डिंग टू आवर इन्वेस्टिंग शेयर। तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं पार्टनर और इस ओवरऑल एक्टिविटी को बोलते हैं पार्टनरशिप, इस रिलेशन को बोलते हैं पार्टनरशिप। सो व्हेन वी एनालाइज द डेफिनेशंस tells us that in order that persons may become partner, it is essential that अगर हमें लगता है कि उन दो या चार लोगों के बीच में partnership establish हो रही है तो उसके लिए हमें इन चार norms को follow करना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, अगर चार दोस्त हैं, उन चार दोस्तों ने मिलकर के एक business start करने का plan किया, उन चारों दोस्तों के बीच में partnership का relation exist करेगा अगर वो पार्टनरशिप इन फोर पॉइंट्स को फॉलो करती हो। तो अब जानते हैं कि ये फोर पॉइंट्स हैं क्या। देयर मस्ट बी एट लीस्ट टू पर्सन, मतलब पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करने के लिए
कम से कम दो लोगों का होना जरूरी है। एक अकेला आदमी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, पार्टनरशिप को मतलब ही नहीं रहा फिर, ठीक है। दूसरा क्या है, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू डू अ बिजनेस। कह रहा देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप अराइजिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्संस टू डू अ बिजनेस। उनके बीच में एक प्रॉपर एग्रीमेंट लिखा गया हो कि उनको उनके बीच में ये कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस है, उस बिजनेस को कंडक्ट होना है, और उनके बीच का जो शेयर है वो फला 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 शेयर है, और उस शेयर का जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इन शेयर होल्डर्स में उनके इन्वेस्टिंग शेयर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो स्टार्टिंग के दो पॉइंट थे इसमें, पहला था कि कम से कम दो लोग होने चाहिए, दूसरा था उनके बीच में एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, तीसरा एग्रीमेंट मस्ट बी टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। ऐसा भी एग्रीमेंट होना चाहिए कि उसमें साफ साफ लिखा हो कि उन जो भी प्रॉफिट या अर्न होगा या जो भी लॉस अर्न होगा वो उन पार्टनर्स के बीच में उनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। द बिजनेस मस्ट बी कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। उस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा होगा, जैसे आपने देखा होगा हर ऑर्गेनाइजेशन का एक चेयरपर्सन होता है, एक चेयरमैन होता है, तो ऐसा नहीं है कि जो चेयरमैन या चेयरपर्सन है वही बिजनेस का ओवरऑल मालिक है। उस बिजनेस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे, उन इन्वेस्टर्स में कोई भी एक चेयरपर्सन बन सकता है, ठीक है, या वो सारे के सारे एज अ चेयरपर्सन की टीम की तरह काम कर सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट के टाइम में हम डिसाइड कर देते हैं कि इन इन्वेस्टिंग मेंबर्स में से, या फिर जो पार्टनरशिप है हमारे बीच की, उस पार्टनरशिप मेंबर्स में से जो पार्टनर्स हैं उन पार्टनर में कौन, क्या सारे पार्टनर एज एक्टिंग एंटिटी काम करेंगे उस बिजनेस को चलाने के लिए, या कोई एक उसमें एज एक्टिंग एंटिटी काम करेगा उस बिजनेस को चलाने के लिए। मतलब हम एक चेयरमैन बनाते हैं, ठीक है, चेयरपर्सन बनाते हैं जो रिमेनिंग इन्वेस्टर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स के बिहाफ में उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है। सो ऑल दीज फोर एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट बिफोर अ ग्रुप और एन एसोसिएशन कैन बी हेल्ड टू बी पार्टनर्स। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट ऑल द फोर स्टेट फोर एलिमेंट्स मस्ट कोएग्जिस्ट before a partnership can be said to come into existence. So partnership exists tabhi hogi jab ye four elements, jo four statement diye hue hain, ye four elements agar execute honge. If any one of them is not proved to be present, there cannot be a partnership. अगर इन चारों स्टेटमेंट में से कोई तीन स्टेटमेंट अगर पार्टनर्स फॉलो कर रहे हैं, कोई एक स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं होगी और पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। सो अभी तक तो हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा और पार्टनरशिप को समझते समझते हमने ये समझा कि पार्टनर्स होते क्या है बेसिकली। अब हम जाते हैं पार्टनर फर्म एंड फर्म नेम बेसिकली क्या होते हैं। सो पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर आर कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स। वो ग्रुप मेंबर जो किसी बिजनेस के लिए एक साथ गेट टुगेदर हुए हैं और एक रिलेशनशिप के तहत एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ऊपर के चार नाम से फॉलो करते हुए, तो उन पार्टनर्स में से हर एक पार्टनर को इंडिविजुअली हम पार्टनर बोलेंगे, ठीक है, एंड कलेक्टिवली अ फर्म। और जिस पर्पस के लिए, जिस बिजनेस के लिए वो पार्टनरशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फर्म। एंड द नेम अंडर विच देयर बिजनेस इज कैरीड ऑन इज कॉल्ड एज फर्म नेम। ये सेक्शन 4 के तहत ये डेफिनेशन दिया गया है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्नमेंट ने बनाया था। उस पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 में पार्टनर्स फर्म और फर्म नेम की डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि वो ग्रुप ऑफ मेंबर जो एक रिलेशन के तहत, जो ऊपर चार रिलेशन बताए गए हैं उस रिलेशन को फॉलो करते हुए अगर किसी बिजनेस के लिए एकजुट होते हैं,
तो उन मेंबर्स को हम, उन इंडिविजुअल मेंबर्स को हम पार्टनर्स बोलेंगे, और जिस पर्पस से वो है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक दूसरे के बीच पार्टनरशिप एस्टेब्लिश कर रहे हैं उसको हम फर्म बोलेंगे, यानी उस कंपनी को हम फर्म बोलेंगे, और उस फर्म का एक स्पेसिफिक नाम होगा। इन लॉ अ फर्म इज ओनली अ कन्वीनियंट फ्रेज फॉर डिस्क्राइबिंग द पार्टनर्स एंड द फर्म हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम इट्स partner, it is neither a legal entity nor is it is a person as is a corporation, it is a collective name of members of a partnership. So firm का मतलब यह है कि कोई अकेला आदमी नहीं, क्योंकि firm, जब भी हम firm की बात करेंगे तो उस firm में एक से ज्यादा partners होंगे। partner का मतलब यह कि at least two person, ठीक है, यानी एक से ज्यादा लोग उसमें involve होंगे तो वो firm कहलाएगा। As regard the firm name, partner have a right to carry on business under any name and style which they choose to adopt, provided they do not volatile the rule related to trade name or goodwill. They must not adopt name calculated to mislead the public into confusing them with a firm of repute already exists with a similar name. फर्म नेम की अगर बात आती है तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया उसमें गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया था कि अगर कोई भी फर्म अपना, कोई भी पार्टनर्स अगर अपना फर्म एस्टेब्लिश करते हैं तो अपने फर्म का नाम रखने से पहले ध्यान में रखें कि उस नाम, उस लोगो जैसा कोई भी फर्म एग्जिस्टिंग नहीं होना चाहिए, अगर है तो सेम नाम का कोई भी फर्म वो ना खोले, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग हमारे ट्रेड्स हैं, जो एग्जिस्टिंग फॉर्म्स हैं, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। इसीलिए आपने देखा होगा एडिडास अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, एडिडास से मिलते जुलते बहुत सारे नाम के आपको बैग, शूज, बहुत सारी चीजें आपको मार्केट में सेल होती हुई दिखती हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से पढ़े तो एडिडास नहीं लिखा होता है, लेकिन वो अगर आप झटके में देखेंगे आपको लगेगा वो एडिडास लिखा, लेकिन वो एडिडास नहीं होता। तो वही कहने का मतलब गवर्नमेंट का कि आप सेम नाम से कोई भी फर्म नहीं खोल सकते हैं अगर उसी नाम कोई भी फर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट यूज द वर्ड लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम। तो एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप एंड ट्रस्ट टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो ये वही 4 पॉइंट्स देखिए यहां बताया गया, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड पॉइंट 4, जो कि अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। पॉइंट 1 में बताया गया था कि कम से कम दो लोग होना चाहिए, सेकंड में बताया गया था कि उनके बीच एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए, जो उनके बीच में सहमति से एक रूल रेगुलेशन बने, उन रूल रेगुलेशन पे कागज लिखा जाना चाहिए, प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। जो भी वो बिजनेस करेंगे या जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है, उसमें सबका उसी अकॉर्डिंग शेयर होगा। द टर्म बिजनेस इज हाउएवर यूज्ड in the widest sense to cover trade, occupation and profession. Business का मतलब यहाँ पे basically इससे है कि समझ लीजिए कि अगर वो चार group member है अगर partnership में, तो उन चार group members एक साथ उस business को चला रहे हैं या उन चारों में से कोई एक आदमी business को चला रहा है, ठीक है। Sharing of profits में basically जो भी उनका investment amount हो, उस investment amount के according जो भी वो profit या loss earn कर रहे हैं, वो profit और loss उसको bear करना पड़ेगा। देखिए शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट कंक्लूसिव, इसको समझाने के लिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। इस एग्जांपल में देखिए, पहले हम पहले वाले एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल नंबर 1 की, कह रहा है ए एंड बी बाई 100 बेल्स ऑफ कॉटन। ए और बी दो दोस्त थे, उन्होंने 100 बेल्स खरीदे कॉटन के, विच दे एग्रीड टू सेल फॉर दियर ज्वाइंट अकाउंट ईच पार्टली शेयरिंग प्रॉफिट एंड पेयरिंग लॉसेस इक्वली। मतलब ए और बी ने मिल करके खरीदा, ठीक है, 100 बेल्स। अब मान लीजिए ए 50 बेल्स बेच चुका और बी जो है 40 बेल्स बेच चुका है, लेकिन फिर भी वो जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे वो इक्वली एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। यहाँ लिखा है प्रॉफिट एंड बियरिंग लॉस इक्वली, दोनों जो है इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस को बियर करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच अकाउंट। A and B buy 100 bales of cotton, agreeing to divide these between them. A and B are not partners. A और B 100 bales खरीदते हैं, ठीक है, लेकिन
उनके बीच में एग्रीमेंट ऐसा हुआ कि वो आधा आधा कर लेते हैं अपने अपने परचेजिंग आइटम को जो उन्होंने कॉटन परचेज किया, ए अपना अलग बेचता बी अपना अलग बेचता, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम पार्टनर नहीं बोलेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। ए अ ट्रेडर ओन्ड मनी टू एक्स वाई एंड जेड, ही एग्रीड टू पे एक्स वाई एंड जेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ हिज बिजनेस रन अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्स वाई एंड जेड what he owned to them, it was held the agreement does not make x y and z the partner with a in the business. ye jo third wala example hai, is example mein bhi yahan partnership nahi hai, kyon? kyunki yahan orally bola gaya hai, jaise maan lijiye main aap se bol dun ki aap mujhe 10 lakh rupaye de dijiye, jo bhi profit main earn karunga main aapko is profit mein se jitna aapne invest kiya uske according aapko percentage de dunga, to yahan pe hamare aapke beech mein koi partnership nahi hai क्योंकि कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है, हम सारी चीजों को फॉलो कर रहे हैं उन फोर स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट जो दूसरा स्टेटमेंट जो कि एग्रीमेंट वाला है उसको हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ मिस्टर ए और मिस्टर एक्स वाई एंड जेड के बीच में कोई भी पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लेकिन ओवरऑल प्रोसेस जो है पार्टनरशिप जैसा ही है, क्योंकि ए बोलता है एक्स वाई एंड जेड को कि मैं आपको शेयर दूंगा आप इन्वेस्ट करिए, ठीक है, वो इन्वेस्ट करते हैं और उनको जो भी प्रॉफिट अर्न होता है वो एक्स वाई जेड को देता भी है, लेकिन यहाँ पे जो मेन दूसरी चीज है कि एक से ज्यादा लोग भी हैं इसमें, ठीक है, लेकिन जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है एग्रीमेंट वाला वो यहाँ नहीं हुआ, चूंकि एग्रीमेंट नहीं हुआ है ए एक्स वाई एंड जेड में, इसीलिए यहाँ पे पार्टनरशिप एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा लीगल एक्शन होता, मान लीजिए ए की डेथ हो जाती है, फिर एक्स वाई जेड उसकी कंपनी में जाते हैं बोलते हैं इस कंपनी में 90% पैसा हम लोगों ने लगाया है, तो गवर्नमेंट इनके पास एक्स वाई जेड के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं रहता है कि वो प्रूफ कर पाए कि हाँ उन्होंने पैसा लगाया हुआ है, तो उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए एक्स वाई जेड अभी पार्टनर नहीं कहलाएंगे। पार्टनर तब कहलाएंगे जब ए एक्स वाई एंड जेड के बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट पार्टनर फर्म एंड फर्म नेम का, फर्म का नेम चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, और पार्टनरशिप को बनाने के लिए हमें इन फोर स्टेप्स को फॉलो करना होता है, और ये सारे स्टेप और ये पार्टनर फर्म एंड फर्म नेम इन सभी चीजों को गवर्नमेंट के एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डिफाइन किया गया है। थैंक यू।